News Bulletin is brought to you by Media Moguls and Sina Radio. Sina Radio. आप हमें सिर्फ 5 मिनट दें, हम आपको सारी दुनिया की खबरें देंगे। ये सीना रेडियो है और अब आप खुर्शीद अकरम से समाचार सुनिए। कोरोना पैंडेमिक के दौरान हेल्थ केयर सिस्टम के बढ़ते खर्चों के बीच कनाडा के तमाम प्रीमियर्स ने ओटावा से हेल्थ ट्रांसफर्स की रकम बढ़ाने की मांग की है। गौरतलब है कि फेडरल सरकार इस साल प्रोविंसेस को लगभग 42 बिलियन डॉलर्स का हेल्थ ट्रांसफर देगी, लेकिन तमाम प्रीमियर्स ने इसमें 28 बिलियन डॉलर्स की और इजाफे की मांग की है। डकफोर्ड सरकार और ऑन्टेरियो फार्मासिस्ट एसोसिएशन के बीच एक डील हो गई है, जिससे लोग बहुत जल्द अपनी फार्मेसी जाकर कोरोना का टीका लगवा सकेंगे। सोर्सेज का कहना है कि ऑन्टेरियो भर की 4,600 फार्मेसी लोकेशंस पर लोग कोरोना वायरस का टीका लगवा सकेंगे। इस बीच ऑन्टेरियो में कोरोना वैक्सीनेशन के नए टाइमलाइन की अपडेट्स आज जारी की जा रही हैं। प्रोविंस में वैक्सीन की सप्लाई बढ़ने और इसके 2 डोजेस का गैप बढ़ाने से टीकाकरण की रफ्तार तेज हो जाने की खबर है। भारत के दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास बीते दिनों मिली विस्फोटक सामग्री वाली कार के मालिक की संदिग्ध हालात में मौत हुई है। मनसुख हिरेन नाम के इस व्यक्ति की मौत को फिलहाल मुंबई पुलिस एक आत्महत्या का केस मान रही है। याद रहे कि बीते दिनों मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के पास एक्सप्लोसिव से भरी एक कार के पाए जाने से हड़कंप मच गया था। भारतीय जनता पार्टी की ओर से संडे को कोलकाता में पीएम नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली में अदाकार मिथुन चक्रवर्ती भी शामिल हो सकते हैं और अटकलें तेज हैं कि मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। पाकिस्तान में अपोजिशन पार्टियों के इत्तेहाद पीडीएम ने कल होने वाले कौमी असेंबली के इजलास को बायकॉट करने का फैसला किया है। ख्याल रहे कि इस खसूसी इजलास के दौरान में एतमाद का वोट हासिल करने वाले हैं, लेकिन अपोजिशन इत्तेहाद ने इजलास के बायकॉट का ऐलान किया है। ख्याल रहे कि सेनेट इलेक्शन में इस्लामाबाद सीट से हुकूमती उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की शिकस्त के बाद पीएम इमरान खान ने ऐवान से एतमाद का वोट लेने का फैसला किया है। टोरंटो और न्यूयॉर्क के स्टॉक मार्केट्स में आज सुबह उछाल का रुझान है। टीएसएक्स में 49 पॉइंट्स की तेजी, जबकि एसएनपी 500 में 33 पॉइंट्स का उछाल चल रहा है। उधर डाउ जोंस में 210 पॉइंट्स और नैस्डैक में 93 पॉइंट्स की तेजी चल रही है, जबकि क्रूड ऑयल का भाव 65.78 यूएस डॉलर पर बैरल पर है। क्रिकेट, भारत बनाम इंग्लैंड चौथे और आखिरी टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक टीम इंडिया ने 7 विकेट पर 294 रन बना लिए थे और इस तरह भारतीय टीम को मेहमान टीम पर 89 रन की बढ़त हासिल थी। और अब मौसम, टोरंटो और आसपास के इलाकों में आज पूरी धूप और तेज हवाओं के साथ हाई 0, जबकि विंड चिल -7 रहेगा। इस वक्त स्टूडियोज के बाहर का तापमान -6 और विंड चिल -12 है। और इसी के साथ सीना रेडियो से समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। समाचार आप